आम आदमी पार्टी ने अपने हरियाणा इकाई को भंग कर दिया है। जल्द ही नई इकाई का यहां गठन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि 40 पूर्व विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनकी पृष्ठभूमि और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करवाने के बाद उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। सुशील गुप्ता ने स्वीकार किया कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी और अब इस भूल को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आम आदमी पार्टी का पंजाब में प्रदर्शन रहा, क्या आप मानते हैं आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात सहित हरियाणा में भी इसका असर दिखेगा? मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा में प्रदर्शन 90 में से कम 80 से ऊपर सीटें आएंगी और कोई ताजुब नहीं कि 90 में से 90 आ जाए। तो क्या रोड मैप रहने वाला है? हरियाणा की जो जनता है वो पंजाब से थोड़ा सा जो मुद्दे भी और जनता भी थोड़ी भिन्न है, तो किस तरह के जो मुद्दे जो रहेंगे कि आप उनको हरियाणा की जनता को लुभा सके? जनता को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल और कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल मिले, हर गाँव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, 24 घंटे बिजली पानी मिले, युवकों को रोजगार मिले, डीसी रेट जो हरियाणा में 9,000 है बढ़ा के दिल्ली की तरह 16,500 रुपए हो और अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने। आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, स्कूलों का हमेशा आम आदमी पार्टी उदाहरण देती है दिल्ली का। हरियाणा में जो है लगभग 15,000 से ऊपर जो सरकारी स्कूल है वहाँ 1,100 है, तो आपको क्या लगता नहीं है कि 1,100 स्कूलों को मेंटेन करना और 15,000 स्कूलों को मेंटेन करना बराबर नहीं है? देखिए दिल्ली में ना जमीन की कमी है और हरियाणा में 4-4 कमरे के स्कूल है। दिल्ली के अंदर 100-100 कमरे के स्कूल है, 200 कमरे के स्कूल है, 500 कमरे के स्कूल है, तो संख्या पे ना जाएं। अगर क्लासरूम की बात करेंगे तो दिल्ली में ज्यादा है। आपने जो है राज्य की कार्यकारिणी भंग कर दी है, तो क्या कारण रहा भंग करने का और नई कार्यकारिणी जो है कब तक संभावित है? एक रूटीन प्रोसेस है कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बनाना और जल्द ही नई कार्यकारिणी बन जाएगी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए, हरियाणा को विकसित करने के लिए हम पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, हम नगरीय निकायों के चुनाव भी लड़ेंगे, हम नगर निगम के चुनाव भी लड़ेंगे, हम विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे, सभी चुनाव अपने सिंबल पे लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे।